हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 9 की मूवमेंट्स बुक से चैप्टर 7 द लास्ट लीफ। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। पहला सेगमेंट थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस? जॉन्सी की बीमारी क्या थी? व्हाट कैन क्योर हर? द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव? उसको क्या ठीक कर सकता था, दवा या उसकी खुद की जीने की इच्छा? जॉन्सी इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। जॉन्सी जो है निमोनिया से सफर कर रही थी। हर विलिंगनेस टू लिव कैन क्योर हर। सिर्फ वो अपने अंदर से जो इच्छा लाती है कि वो उसको जीना है, तभी वो ठीक हो सकती है। हर डॉक्टर से सीम्स इफ शी हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने कहा ऐसा लगता है जैसे इसने अपना एक तरह से माइंड में ये बना लिया है कि मैं तो कभी अब ठीक ही नहीं होंगी। ही सेज दैट मेडिसिन वोंट वर्क इफ शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव। और उन्होंने ये भी कहा कि दवाइयाँ तब तक काम नहीं करेंगी अगर वो खुद ही अंदर से जीने की इच्छा नहीं रखेगी। Do you think the feeling of depression Johnson has is common among teenagers? आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन की फीलिंग है ये ज्यादातर जैसी जॉन्सी को थी टीनेजर्स में कॉमन होती है? Yes, I think the feeling of depression Johnson has is common among teenagers these days. आज की डेट में टीनेजर्स को भी इस तरह की डिप्रेशन बहुत प्रॉब्लम होती है जैसे जॉन्सीज को थी। टीनेजर्स टुडे आर इन अ कॉन्स्टेंट रन टू मेक द मोस्ट ऑफ द लाइफ। आज के जो टीनेजर्स हैं उनका क्या कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी से वो जो है चीजों को कर पाए। जितना टाइम है उसमें वो जितना ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकते हैं वो करने की कोशिश में रहते हैं। दे लिव अ लाइफस्टाइल दैट इज बर्डन्ड बाय प्रेशर टू बी द बेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सबसे बेहतर हो, तो हम उस होड़ में जो है लगे रहते हैं, उसके प्रेशर में दबे रहते हैं कि नहीं हमें उस लाइफस्टाइल तक अपने आप को पहुंचाना है। They tend to care more about their professional lives and give less attention to their personal relationships. नतीजा क्या होता है? Professional life के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और अपनी जो personal एक nourishment एक उनकी body की जो requirement है उसके ऊपर जो है बहुत कम ध्यान देते हैं। Behrman had a dream. What is it? Does it come true? Behrman को एक सपना आया। क्या था वो? क्या वो सच हुआ? Behrman is a 60-year-old painter. वो 60 साल के एक painter थी। His lifelong dream was to paint a masterpiece. उनका जो है हमेशा से एक सपना था कि वो जो है एक ऐसा masterpiece paint करे जो दुनिया में बहुत ही अनोखा हो। Yes, it's ultimately come true when he paints the last leaf on an ivory creeper and that painted the last leaf seems to be the real one. उन्होंने वाकई में उनकी वो जो dream था वो पूरा हुआ जब उन्होंने आखिरी पत्ती जो है उसे एक आईवी के क्रीपर पे जो है पेंट किया और वो इस तरह से पेंट किया कि वो बिल्कुल देखने में लग रही थी कि वो रियल है। What is Behrman's masterpiece? What makes sui so so? Behrman का जो masterpiece था वो क्या था और सुई जो है उसने ऐसा क्यों कहा? Johnsy has said that she would die when the last leaf on the ivory creeper falls. Johnsy ने कहा कि वो मर जाएगी जिस दिन ये आईवी जो क्रीपर है इसका आखिरी पत्ता गिर जाएगा। When Behrman heard this from Sui, he secretly painted a leaf on the creeper when the last leaf had fallen. जब Behrman ने इस बारे में सुना सुई से तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप जाके क्रीपर पे एक लीफ को पेंट कर दिया जब उसकी आखिरी पत्ती जो है गिर चुकी थी। Unaware that the leaf that Johnsy was looking at was a painting, Johnsy felt motivated to see that the last leaf was still clinging to the creeper. अब इस बात से अनजान की जॉन्सी जो है वो उसको ये देखती कि वो पेंटिंग है, जॉन्सी जो है अपने आप में बहुत ज्यादा मोटिवेट होने लग गई कि अच्छा वो जो लास्ट लीफ थी वो गिरी नहीं, देखो वो अभी भी क्रीपर से अटकी हुई है। She felt energetic and developed a willingness to live. तो उसमें जो है अपने आप में एक एनर्जी आई और उसके में एक इच्छा शक्ति जगी कि नहीं उसे भी जीना है। Thus the last leaf painted by the Behrman was a masterpiece. इसी वजह से जो Behrman ने last leaf paint करी थी वो एक तरह से masterpiece था। It rekindled Johnsy's willingness to fight her illness and death. उन्हें एक तरह से जान फूंक दी जॉन्सी के अंदर कि वो उनमें एक इच्छा शक्ति जगी कि वो दोबारा जो है अपनी बीमारी से लड़े और जिंदगी को जिए। That is the reason why Sui says that the last leaf is Behrman's masterpiece. इसी कारण से सुई ने कहा कि ये जो लास्ट लीफ थी ये Behrman का मास्टरपीस थी। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।